हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, मज़े ही होंगे। और एक शरीफ बंदा होने की हैसियत से मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा मस्त रहे, बिंदास रहे, और कम से कम इस हफ्ता तो आप लोग लड़कियों के जुल्म और सितम से यारों बच के ही रहो। तो यार, अभी आप लोगों को पता ही है, अभी वैलेंटाइन का हफ्ता चल रहा है, लेकिन वो वैलेंटाइन का हफ्ता मेरे लिए वेलन टाइप का हफ्ता बन गया है। अभी आप लोग पूछोगे कैसे यार, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग कैसे पूछ सकते हो, लेकिन आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो, तो सुनो यार। अभी जैसे कि 7 फरवरी गया, 7 फरवरी था रोज़ डे यार। उस दिन मैं सुबह उठा, नहाया वहाया, फ्रेश हुआ, परफ्यूम वर्फ्यूम मारा, 40 रुपये का जाकर एक रोज़ ख़रीदा। दिल में शाहरुख खान का गाना बजा बजा कर यार मैं उसके पास गया, जाकर उसे प्रपोज़ किया, ये लो रोज़ दे, आई लव यू डियर। यार मुझे मतलब ऐसी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार वो ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब मुझे भी कुछ चाहिए था यार रिप्लाई में, सोचा कुछ तो मिलेगा रिप्लाई में, लेकिन रिप्लाई में क्या मिला पता है? थैंक यू यार। अगर आप पानीपुरी वाले से पानीपुरी भी खाते हो ना, तो अभी यार वो आपको थैंक यू बोलेगा रिप्लाई में, लेकिन वो मुझे थैंक यू बोल रही थी यार। तो यही सोच लो ना कि पानी पूरी वाले में और जीएफ में कितना मतलब डिफरेंसेस है, सेम ही है। तो चलो छोड़ो यार, मैंने सोचा छोड़ो यार, अभी अभी आगे बहुत पूरा हफ्ता रह गया है, बाकी कुछ और हो जाएगा सामने। तो दूसरे दिन था 8 फरवरी, तो दूसरे दिन प्रपोज डे था यार। उस दिन मैं सुबह सुबह उठा, नींद भी पूरी नहीं हुई, उसके बाद भी सुबह सुबह उठा यार, भाग भाग कर परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया सब, मतलब बिंदास होकर उसके पास गया, जाकर शाहरुख स्टाइल में, जैसे कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ऐसे बोला आई लव यू। तो वो बोली ओके ओके। यार ये देखो मतलब कैसा फीलिंग्स आ रहा था उस टाइम पर यार, ओके ओके। जब मतलब इतना प्रिपरेशन किया था मैंने कि मतलब प्रपोज करूँगा रिप्लाई में, वो भी बोलेगी आई लव यू टू, लेकिन वो बोली ओके ओके। तो यार मतलब कैसा फील होता है उस टाइम यार, जो मेरे जैसे बंदे वही समझ सकते हैं मेरा जो दुख है। तो चलो छोड़ो, मैंने मतलब बोला छोड़ो यार, अगला दिन कुछ हो जाएगा, अगला दिन तक चॉकलेट दे। तो रात को मेरे मोबाइल पर यार मैसेज आया कि जानू मैं ऐसी वैसी चॉकलेट नहीं खाती हूँ, मेरे लिए ना वो बड़ा वाला डेयरी मिल्क का पैकेट ले आना। तो यार मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा था यार, मतलब डेयरी मिल्क का पैकेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई म्यूनसिपालिटी का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ जिसे लेकर लोग मजाक बना रहे हैं, ऐसा लग रहा था मेरे को। लेकिन उसके बाद भी यार हम लड़के होते ही बड़े दिल वाले। चला गया बाकी दूसरे के दिन, मतलब दूसरे दिन हम लोग, मैं चला ही गया वहाँ पर, एक बड़ा सा मिल्क डेयरी मिल्क का शॉट, 240 रुपये का मतलब डेयरी मिल्क का पैकेट लेकर गया वहाँ पर। लेकिन मैं सच में बताऊँ यार, बचपन से बड़ा हुआ ना, आज तक 1 रुपये के हाजमोले के पैकेट से ज़्यादा मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन उसके लिए 240 रुपये का डेयरी मिल्क का पैकेट ले गया मैं उसके लिए। सोचा यार आज तो कुछ मिलेगा, डेयरी मिल्क का पैकेट ले गया हूँ, उतना बड़ा डेयरी मिल्क का पैकेट, कुछ तो मिलेगा। रिप्लाई में क्या मिलता है पता है? सो स्वीट यार, क्या हो गया था मेरे को यार। हम लड़कों को अगर कोई कुत्ता कमीना हरामी भी बोल दे तो भी चलेगा, लेकिन सो स्वीट सो क्यूट अगर बोल देना तो ऐसा लगता है यार शरीर में किसी ने 440 वोल्ट का जिगरी का झटका दे दिया है हमारे शरीर में, तो ऐसा लगा मेरे को। लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, हम लड़के होते ही बड़े दिल वाले, आगे कुछ मिल जाएगा, अभी छोड़ो ये नहीं मिल रहा तो चलो छोड़ो इसको, मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो। अभी 10 फरवरी आया, 10 फरवरी को था क्या टेडी डे। तो यार टेडी डे को यार मेरे पास तो पैसा नहीं था, अपने सबसे हरामी दोस्त उसके पास जाकर हाथ जोड़नी पड़ी, बोला भाई मेरे को थोड़ा पैसे उधार दे दे, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। गया यार 1400 का मैंने एक टेडी ख़रीदा यार, पुलिस पीछे पड़ गई, लेसनर बोलती है कहा डेड बॉडी लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने वो टेडी ले गया, जाकर उसको दिया यार रिप्लाई में, मतलब मेरे को मतलब ये तो एकदम फीलिंग्स ही नहीं थी, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरे को ये मिली है। लेकिन वो कहती क्या है पता है आप लोगों को? कहती है सो स्वीट यार, क्या बताओ आप लोगों को, सो स्वीट, मतलब जब सुना मतलब सो स्वीट, मैंने कहा स्लिप सो स्वीट। कहती है ओ थैंक यू, सो क्यूट यू आर, मतलब ऐसा लग रहा था लेसनर कि मतलब किसी ने पैंट पर मूंद दिया है, अपने ही पैंट पर किसी ने मूंद दिया, ऐसा लग रहा था मेरे को। लेसनर मैं कोई 4 साल का बच्चा थोड़ी हूँ जो चॉकलेट डे पर स्वीट, टेडी डे पर क्यूट, यार मतलब क्या बताऊँ अभी आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लड़के होते ही बड़े दिल वाले, अभी आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लड़के होते ही बड़े दिल वाले। चलो छोड़ो यार, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी आगे क्या है? आगे है प्रॉमिस डे। उस दिन मतलब उस दिन मैं तो खाली हाथ ही गया यार, सोचा कि आज कुछ प्रॉमिस करता हूँ उससे, कुछ प्रॉमिस लेता हूँ, मैं क्या प्रॉमिस करने वाला हूँ, मैंने तो सब प्रॉमिस पहले ही कर दिया था मोबाइल पर SMS करते करते। तो यार उस दिन वो मुझे क्या कहती है पता है? वो कहती है बेबी प्रॉमिस करो तुम मुझे इसी तरह पूरी ज़िंदगी प्यार करते रहोगे। मतलब मैंने कहा कैसे प्यार? अरे यार इसी तरह जैसे तुमने मुझे टेडी दिया, तुमने मुझे स्वीट्स ला कर दी, इसी तरह तुम पूरी ज़िंदगी मुझे प्यार करते रहोगे। यार मैंने कहा सारा दिमाग का दही। लेकिन उसके बाद भी यार हम लड़के होते ही दिल वाले, मैंने सोचा चलो छोड़ो यार,
प्यार करता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ, चाहे उसके लिए चोरी भी करनी पड़े, डकैती भी डालनी पड़े, मतलब शोले के गब्बर से हाथ भी मिलाना पड़े, लेकिन कर दूंगा यार। अभी अभी अगला दिन कौन सा था पता है आप लोगों को? इमरान हाशमी वाला दिन। हाँ, जैसे कि मैं इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो अगला दिन था इमरान हाशमी वाला दिन। तो उस दिन यार मैंने सोचा यार आज मेरा दिन है, कल उसका दिन था, आज मेरा दिन है, तो चलो आज कुछ तो मिलेगा यार, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। तो यार उस दिन मैं बड़े ही मतलब मज़े में होकर लाला 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 ला, 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 शाहरुख खान का गाना बजा बजा कर दिल में उसके पास गया, उसके पास बैठा, उसके तरफ़ देखा, उसने भी मेरे तरफ़ देखा, उसने मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुराया, उसके पास गया, होठ आगे किया, वो बोलती है ना 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 ना, शादी से पहले मैं ये सब नहीं करूँगी। साला हिट हो गया साला बेंचो। मैंने सोचा यार चलो छोड़ो, अभी हम लड़के होते ही है बड़े दिल वाले, छोड़ो अभी अगला दिन कुछ और मिल जाएगा, अभी ये गया तो चलो अभी अगला दिन हक डे है। तो अगला दिन मैं गया उसके पास, जाकर बोला बेबी हक दो, तो कहती है मैंने सुबह सुबह ही दे दिया, अभी नहीं होगा, अभी फिर से कल सुबह फिर से कुछ खाऊंगा फिर से होगा। यार दिमाग का सत्यानाश लेसनर, कसम से उस दिन रात को मैंने कुछ खाया ही नहीं, डिनर भी नहीं खाया यार, मतलब दिमाग का पूरा दही हो गया था। आखिर में वो दिन आ ही गया, वैलेंटाइन डे, जो मेरे लिए वैलेंटाइन डे बन गया था। तो अगला दिन मैंने सोचा यार आज जाकर इतिहास बना डालते हैं, तो मैंने उसके पास गया, मैं जाकर बोला बेबी चलो आज हम लोग कुछ अलग सा इतिहास बनाते हैं, लोग वैलेंटाइन पर एक होते हैं, हम दोनों इस वैलेंटाइन पर अलग ही हो जाते हैं। बोली क्यों? बोला नहीं यार अभी वैलेंटाइन पर अलग ही होना बाकी है, चलो अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि तुमने जो दिन चला गया उस दिन पर कुछ नहीं दिया, अभी आने वाला दिन में क्या दोगी? बोलती है आने वाले दिन में मैं तुम्हें डबल दूंगी। मैंने सोचा क्या डबल देगी यार, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, यार दिमाग लगा कर मुझे तो पता चला कि यार अभी आगे किस डे नहीं है, अभी स्लैब डे पड़ेगा। तो यार मैंने सोचा यार अभी डबल देगी बोल रही थी तो स्लैब डे मिलेगा, तो डबल डबल स्लैब मारेगी, किक मारेगी। तो मैंने सोचा नहीं, जे मेरी माँ मेरे को माफ़ कर, मेरे को बख्श दे, भगवान के नाते मेरे को छोड़ दे। तो मैं उसके तरफ से मुड़ गया, मुड़कर मैं जाने लगा, तभी कहती रुको रुको, मेरे मन में थोड़ा सा घंटी बजे कि शायद उसके मन में थोड़ा सा अफसोस हो रहा होगा, शायद बोलेगी सॉरी जानू अभी आगे से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। तो अपना मतलब अपना पर्स से मोबाइल निकालती है, मेरे को बोलती है बेबी सेल्फी सेल्फी। तो मैं सोचा यार सेल्फी क्या, किस बात के लिए सेल्फी? सेल्फी उठाती है और बीचों बीच में मेरे को बोलती है बेबी वाईफाई कनेक्ट देना, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर। मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया तो फेसबुक पर घुसती है और लिखती है ब्रेकअप विथ माई बॉयफ्रेंड फीलिंग फ्री। मतलब क्या बताऊँ यार, बट हाँ नाउ आई एम फीलिंग बेटर बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। तो गाइज मेरी ये जो सीख है याद रखना, समझ गए ना? तो बाय गाइज।